भगवान शिव के चार सबसे शक्तिशाली शत्रु जिन्हें भगवान शिव के अलावा कोई अन्य देवता कभी नहीं हरा सकता था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। वो जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ अनंत अद्वितीय अनादि है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है, वे शत्रुता कटुता आदि सांसारिक चीजों से परे हैं, लेकिन हाँ उनके विरोधी अवश्य रहे हैं, जिन्होंने स्वयं देवों के देव महादेव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। यूं तो भगवान विष्णु को संहार का देवता कहा जाता है और साथ ही त्रिदेवों में इनका एक खास स्थान इन्हें प्राप्त है, लेकिन इतनी असीम शक्ति होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे शक्तिशाली राक्षस और गण थे जिन्होंने स्वयं भगवान शिव से शत्रुता की। तो आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने भगवान शिव से शत्रुता करने का साहस दिखाया, और उनमें से सबसे बड़ा विरोधी आखिर कौन था? चौथे स्थान पर है स्वयं दक्ष प्रजापति। यूं तो दक्ष प्रजापति कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के ससुर ही थे। दरअसल पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वहां देव ऋषि देवता मुनि साधु संत इत्यादि महाज्ञानी पधारे थे। उस यज्ञ में भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। इसी समय प्रजापति दक्ष वहां आ पहुंचे। ब्राह्मण के आदिपति होने के कारण उन्हें घमंड हो गया था। वहां दक्ष को सभी देवता और ऋषि मुनियों सहित देव ऋषियों ने भी अपने स्थान से उठकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव ने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही वो अपने आसन से उठे। इस पर दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव का बहुत तिरस्कार किया और उन्हें उस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। तब भी भगवान शिव शांत रहे और कैलाश को वापस लौट आए। और जब दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में महान यज्ञ का आयोजन किया, तो उसमें उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। और भगवान शिव को निमंत्रण ना मिलने के बारे में जानकर देवी सती को बहुत क्रोध आया और वो इसका कारण जानने के लिए दक्ष के यज्ञ में जा पहुंची। परंतु उस यज्ञशाला में देवी सती का बड़ा अपमान किया गया, जिस कारण सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। इस बात का समाचार सुनते ही भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और वहीं से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। कहते हैं भगवान शिव ने अपने वीरभद्र अंश को दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा और दक्ष सहित वहां उपस्थित सभी देवता महर्षियों को स्वयं वीरभद्र ने दंडित किया। इसी के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है स्वयं अंधकासुर। शिव पुराण रुद्र संहिता 42 के अनुसार अंधक का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था। उन दिनों ऋण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का घोर तप कर रहे थे। तब महादेव ने अंधक को ऋण्याक्ष को सौंप दिया। भगवान विष्णु द्वारा ऋण्याक्ष के मारे जाने के उपरांत अंधक का राज्य अभिषेक कराया गया। वही अंधक भी बेहद चालाक था। उसने ब्रह्मा जी के कई हजार वर्षों तक तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर वर मांगा कि मेरे नेत्र ठीक हो जाए और मुझे शिव और विष्णु सहित कोई भी प्राणी मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, जिसके हाथों तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तब अंधक बोला, तीनों लोकों में जो सबकी जननी सब में रत्न हो, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो और मुझे ये वर प्राप्त कीजिए। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा वरदान दे दिया। अंधकासुर ने त्रिलोकी का भोग करते हुए इंद्रलोक को भी जीत लिया था। एक समय अंधक के तीन मंत्रियों ने अंधक को बताया कि उन्होंने मंदियाचल पर्वत पर एक सुंदर रत्न नारी को देखा है जो परम सुंदरी है। वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से मंदलाचल जा पहुंचा। जी हाँ, वो नारी सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी पार्वती ही थी। ऐसे में अंधक ने स्वयं पार्वती को पाने की इच्छा जताई और उसका मुकाबला स्वयं भगवान शिव के साथ हुआ, जो कि बेहद ही भीषण युद्ध था। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से अंधक के हृदय को भेद कर
उसे त्रिशूल के साथ ही हवा में उठा लिया था। कहते हैं भगवान शिव का रौद्र रूप देखकर स्वयं अंधक तक कांप उठा था और उन्होंने भगवान के सामने अपने आप को नतमस्तक किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उनकी स्तुति की। तब जाकर भगवान शिव ने अंधक को आखिर में क्षमा कर दिया और उसके बाद उन्हें अपने गढ़ में शामिल कर लिया। दूसरे नंबर पर मौजूद है स्वयं भस्मासुर। भगवत महापुराण दशम स्कंद के अनुसार विघासुर, जिसे भस्मसुर के नाम से भी जाना जाता है, उसने नारद जी से पूछा कि तीनों देवताओं में छटपट प्रसन्न होने वाले कौन से देवता हैं? ऐसे में नारद जी ने कहा, तुम स्वयं भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। भगवान शिव उसकी भक्ति और जद्दोजहद से बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने कई हजार वर्षों तक उनकी तपस्या की और उसे वर मांगने को कहा। तब विघासुर यानी भस्मासुर ने वर मांगा कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रख दूं, वो वहीं पर भस्म हो जाए। उसकी ये याचना सुनकर स्वयं भगवान रुद्र पहले तो असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर हंसकर कह दिया, तो ठीक है, तुम्हारा ये मनोरथ पूरा हो। और ऐसा कर मानो उन्होंने सांप को अमृत पिला दिया हो। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर स्वयं भस्मासुर के मन में ये लालसा आ गई। ऐसे में उन्होंने स्वयं भगवान शिव से कहा कि क्यों ना मैं आपके सर पर हाथ रखकर ये देखूं कि ये सचमुच कार्य कर रहा है या नहीं। ऐसे में स्वयं भगवान शिव को भी भागना पड़ा और उसके बाद स्वयं उनकी मदद के लिए पहुंचे भगवान नारायण, जहां उन्होंने मोहिनी रूपी एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और उसके बाद उन्होंने भस्मासुर को मोहित किया। उसके बाद वो उसके साथ नृत्य करने लगी और नृत्य करते करते उन्होंने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया, जिस वजह से भस्मासुर अपने ही पाए हुए वरदान से खुद ही भस्म हो गया। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद भगवान शिव के सबसे बड़े शत्रु की, जो कोई और नहीं बल्कि उनका ही पुत्र जलंधर था। और वो इतना शक्तिशाली था कि उसे भगवान शिव के अलावा कोई और अन्य योद्धा या देवता नहीं मार सकता था। शिव महापुराण के शिव सहित पंचम खंड के अनुसार एक समय भगवान शिव इंद्र पर बहुत क्रोधित हो गए और उनके नेत्रों से ज्वाला उत्पन्न हुई। तब वहां देवराज इंद्र ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और महादेव ने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया, तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज सुनकर सारा संसार भयभीत हो गया। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले कि उस बालक ने अपने भयंकर रर्दन से पूरे संसार को आहत किया है, आप उस बालक का शरीर भस्म कर हमें भयमुक्त कराए। तब ब्रह्मा जी उस बालक को देखने गए, उसने ब्रह्मा जी के गले में ही हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबाया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यातक पूर्वक उस बालक के पकड़े जाने से अपने आप को मुक्त कराया और ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अंततः ये बालक जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये बालक महापराक्रमी महायोद्धा और रण दुर्मम होगा। ये बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, कोई देवता या मनुष्य चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ये बालक दैत्यों का आधिपति होगा। इसकी मृत्यु केवल त्रिलोकी नाथ भगवान शिव के हाथों ही संभव है। एक अजय असुर स्वयं कोई और नहीं जलंधर था, जिसका कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना गया है। वो इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाए गए कमोद की गदा के प्रहार से भी वह बच गया था और उसे बड़ी आसानी से सहन कर लिया था। उसने सभी देवताओं को भी परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान यानी कैलाश पर भी हमला कर दिया था, जहां जलंधर और भगवान शिव में भयंकर महायुद्ध हुआ। लेकिन कहते हैं ना, पिता तो पिता होता है। आखिर में भगवान शिव जी के हाथों ही जलंधर की मृत्यु हुई। लेकिन जलंधर इतना शक्तिशाली था कि वह इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गया। कहते हैं वो स्वयं भगवान शिव का ही तो अंश था, इसीलिए राक्षस प्रवृत्ति का होने के बावजूद भी उसमें असीम शक्तियां मौजूद थी।
तो आपके हिसाब से कौन था भगवान शिव का इन चारों में से सबसे शक्तिशाली शत्रु, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।